है एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ गौरव एंड यू आर वाचिंग ट्रेडर सब। आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि शुरुआत में मैं बड़ा इम्प्रेस था यार कि मतलब क्या ही ट्रेडिंग है, और लास्ट में लगी बम भोसड़ा कर दिया भाई ने। तो ठीक है, नाम तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसका है, बट ये कि अगर आपको भी ट्रेडिंग रिव्यू करवानी है तो आप मुझे ऐसे रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। ठीक है, पीसी पे, फ़ोन पे, किसी पे भी चलेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है। बाकी नए होते हैं आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना। ठीक है, इंडिया का बेस्ट चैनल बनाएंगे बाइनरी में इसको, तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो यहाँ से एक अप की ट्रेड लगा ली गई है और प्रीवियस लेवल्स के हिसाब से मैं देखूँ तो ट्रेड सही लगी है। ठीक है, 5.47 डॉलर्स के हिसाब से, मतलब 46 डॉलर के हिसाब से मनी मैनेजमेंट ओके है। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी 3 में से 1 की भी है तो मनी मैनेजमेंट 40 डॉलर में 5 डॉलर का चलता है। आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपकी एक्यूरेसी है क्या, 3 में से 1 है, 4 में से 1 है, 5 में से 1 है, 2 में से 1 है, उस हिसाब से अपने कैपिटल को यूज़ करेंगे। तो 46-47 डॉलर के हिसाब से 5 डॉलर बहुत हैं। ठीक है, इनको अपनी एक्यूरेसी में होगा भरोसा इसलिए लगाया है। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे बंदे ट्रेड करते हैं। तो 3-2 ओके, थोड़ा सा जो है मार्जिनल हार गए मार्जिन की वजह से, बाकी यहाँ पे मार्टिंगल में अप ले लिया और ठीक किया क्योंकि नीचे अभी भी जोन है सपोर्ट का, तो यहाँ से अब जाने के चांसेस बन जाएंगे। ज़्यादा भी ले सकते थे यहाँ पे, तो मैं होता 3-4 ले लेता क्योंकि यहाँ पे जोन है। ठीक है, जोन टूटता नहीं है आराम से। एक्चुअली मैं यहाँ से कैंडल ऊपर इसलिए जाएगी क्योंकि प्रीवियसली अगर आप कहीं भी देखें तो 1000 बार यहाँ से कैंडल ऊपर ही गई होगी, तो जब 1000 बार ऊपर जा चुकी है तो यहाँ से भी ऊपर जाने का संजोग बनता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से ऊपर इन्होंने ले ली, सही किया लेके। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरे फ्री ग्रुप में आके मेरे फ्री सिग्नल चाहिए भाई, कभी कभी हम कैपिटल डबल करवाते हैं हफ्ते में 2-3 दिन, तो फ्री ग्रुप में फ्री सिग्नल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक से अकाउंट बना के डिपॉजिट करके मैसेज करें। पेड में मेरे से प्राइस एक्शन सीखना है, प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेनी, कंपाउंडिंग करना सीखना है, तो पेड ग्रुप में आना। उसके लिए मुझे पर्सनली मैसेज करो, वहीं डिस्कस करेंगे क्या सीन है, कैसे ज्वाइन हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेड हम यहाँ पे जीत चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन के लगा दी, यहाँ पे लेट हुई है ये, वैसे देखा मैंने ऊपर लगाने की कोशिश हो रही थी, थोड़ी लेट हो गई ट्रेड और एक और नीचे लगा दी एंड टाइम पे, गलत चीज़ है। ठीक है, या तो तुम थोड़ा ऊपर जाने पे लगाते ट्रेड जब वो ग्रीन बनती दूसरी वाली, ऐसे जगह पे दूसरी लगा के मतलब ऐसा सच कुछ फ़ायदा नहीं होता, लॉस ही होगा अगर ये ऊपर जाएगी तो। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे अब क्या होता है इस वाले ट्रेड में। अभी तक तो नीचे है, बाकी मार्केट क्या भरोसा कब का क्या हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा था वैसे ही हो रहा है। देखो, काफ़ी लोग सोचते हैं कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा हो जाता है, या मैं कह रहा हूँ अगली ग्रीन ही बनेगी तो कैसे बन जाती है। देखो, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, मतलब इसका कोई रूल नहीं है ऐसा कि मतलब यहाँ पे ये होने से ग्रीन ही बनेगी, रेड ही बनेगी, वो आपका प्रायर एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है पहले वो आपका वो एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस पर आपको लगता है कि यार मार्केट जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो मार्केट डाउन जाता है। देखो, ये ट्रेड ही हार गए, यहाँ पे डाउन लगा ली ड्यू टू रेजिस्टेंस लेवल, 4 ट्रेड चलेगा। ठीक है, एकदम बढ़िया खेला है, रेजिस्टेंस लेवल था, ट्रेड लेनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लेवल वाले बंदे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स सारे लेवल ही लगाते हैं, तो ठीक है, अच्छा लगता है कि कोई फालतू इंडिकेटर बवासीर नहीं है। तो ठीक है, बाकी देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे नीचे जा रही है, आई होप ये ट्रेड विन हो जाए। ठीक है, अभी तक तो सही चल रहा है और अभी तक तो 2 में से 1 की एक्यूरेसी चल रही है, तो आई होप, देखो कितनी बड़ी रेड बनी, सही लगाया ट्रेड, बढ़िया लगा, एनालिसिस सही है, ठीक खेल रहे हो, बढ़िया। तो अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे। बाकी अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब कर दो भाई, अभी जर्नी की वीडियो भी डाल दूँगा फिर। ठीक है, ओके देन, 10 सेकेंड बचे हैं, देखते हैं क्या सीन है। 7-6-5-4-3-2-1 और यहाँ पे इसको हम जीत गए। ठीक है, 46 डॉलर से शुरुआत करी थी, 56 पहुँच गए, 10 डॉलर तो अर्निंग हो गई, वो भी कितने कम रिस्क पे, है ना। मनी मैनेजमेंट देखो ऐसी चीज़ है, कम रिस्क पे कितना बढ़िया हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सही करी। अब आगे देखते हैं आगे क्या किया जा रहा है, अभी आगे क्या करेंगे, कहाँ की लग रही है भाई ट्रेड, कहाँ लगाना चाह रहे हो। यहाँ अप डायरेक्शन की लगा ली, मार्जिन पे सही किया क्योंकि प्रीवियस कैंडल का जो डाउन है उसका पुश है। ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल का डाउन होता है उसका जो है एक आपका वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, एक उसने मतलब उसकी औकात होती है, कुछ ना कुछ औकात तो होगी, तो उसको तोड़ना इजी नहीं रहता। ठीक है, तो होता यह कि भले ही रेड बन जाए पर टूटना थोड़ा इजी नहीं रहता,
तो देखेंगे क्या होगा। ठीक है, 3 2 1 और ये रिफ़ंड होना चाहिए। लॉस भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते, पर लेकिन रिफ़ंड हो गया है तो ठीक है, हो चुका है रिफ़ंड भाई। तो अब हम देखेंगे अब क्या सीन है यहाँ पे, अगली ट्रेड कहाँ की ली जाती है। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे सही लगती है, जब बंदे जो है वेट करते हैं ना लेवल पे कैंडल के जाने का, तो मुझे वो चीज़ सही लगती है, क्योंकि ऐसे में दिखता है कि बंदे मैच्योर हो रहे हैं। कुछ कुछ मतलब कोई लेवल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कहीं पे भी ट्रेड लेते हैं तो भाई जब ऐसा होता है तो मतलब कि तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तुक्केबाजी है, सट्टा ही हो गया वो तो, है ना। फिर बोलोगे भाई लॉस हो गया, कहीं पे भी कुछ भी विदाउट एनी रीज़न ट्रेड ले रहे हो तो वो तो यार निश्चित हार है। अगर तुम्हें दिख रहा है आसपास कोई लेवल नहीं और तुम सोच रहे हो मैं तुक्का लगा दूँ, वो तो हार निश्चित है, कैसे जीतोगे। तो आपके पास कोई स्पेशल एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, लेवल, एक लेवल होना चाहिए जहाँ पे आप जो है ट्रेड लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे इस कैंडल के भी इतने सेकंड बचे हैं, देखते हैं नेक्स्ट डे कहाँ के लेंगे, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स वेट एंड वॉच गाइस व्हाट हैपन्स हेयर। और साथ के साथ यहाँ लेवल्स बनाए गए हैं और एकदम सही जगह लगाया गया है, मतलब लेवल्स की नॉलेज तो आ ही रही है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बंदे होते हैं वो लेवल बना के वहीं बैठ जाते हैं, अब जब मार्केट यहाँ आएगा तभी करेंगे। पर कुछ बंदे सही करते हैं, जैसे मैं भी करता था, मार्केट जहाँ जा रहा है वहीं लेवल ढूंढ के वहीं बना दो ताकि अपॉर्चुनिटियों की कमी ना हो। डाउन डायरेक्शन की मार्जिन पे ले ली है, थोड़ा रिस्की है क्योंकि दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस एक दूसरे के बहुत पास हैं, ये जहाँ भी जाएगा अच्छा खासा फटेगा ये। ठीक है, मतलब अच्छी खासी कैंडल देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है, कोई भी जीत सकता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, मार्केट कहाँ जाता है। ऑब्वियसली डाउन जाना ठीक है, डाउन जा सकता है वो, पर ये भी मत भूलो कि नीचे सपोर्ट है। ठीक है, तो अब 16 15 सेकंड बचे, इतने में तो यार कुछ होता ही नहीं आज की दुनिया में। ठीक है, ये क्या हुआ भाई, ये $10 इन्होंने अपना बैलेंस कर दिया है, और ये पता नहीं क्या, जैसे मैंने बोला था बड़ी कैंडल बननी चाहिए, देखो बड़ी ना, $10 बैलेंस कर दिया भाई। क्या रीज़न था इसके पीछे, आई जस्ट डोंट नो। अभी तक अच्छा खासा खेल रहे हो और तुमने यहाँ पैसे भी बना लिए, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, $10 बढ़िया पैसे बना लिए थे, ऐसा क्यों किया भाई, $10 क्यों लगाए, क्या हो गया, क्या फूक लिया, ओहो क्या कर दिया भाई, क्या फूक के आए हो, ये क्या क्या था रीज़न। हो सकता है जीत भी जाओ इसको, मेरे हिसाब से तो नहीं जीतोगे, क्योंकि कैंडल देखो प्रीवियसली रेड कैंडल छोटी बड़ी 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 बनती हुई जा रही है, तो ऐसे में तो बुल्स की पावर कम हो जाती है ना, जब कैंडल ये कि बड़ी से छोटी छोटी होती है तो ग्रीन बने। प्रीवियसली देखो कैंडल कैसे छोटी से पहले छोटी थी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, अब ये देखो और बड़ी हो रही है, ऐसे में तो बैट्स की पावर ज़्यादा होती है, ऐसे में क्यों लगा दी ट्रेड भाई। ये तो क्या हो गया भाई, चरस चुरस सूंघ लिया था, स्मैक ले लिया था, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अच्छा खासा भाई अब $10 हो गया ना, क्या बढ़िया बैलेंस ग्रो किया था, कोई नहीं ये ऊपर जा रहा है, ओ माय गॉड काश ये जीत जाए यार ये, बट लेकिन नहीं, ये पॉइंट में हारेगा, ये हार गया। खैर जो भी है, बाकी आपको पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्री ग्रुप में आने के लिए लिंक से अकाउंट बना के डिपॉजिट करके मैसेज करें, पेड में आने के लिए पर्सनली मैसेज करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।